मॉर्निंग. आई एम द फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन SDIT कॉलेज दौसा. इससे पहले हमने ट्रांसफार्मर के बारे में, पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर, उसका वर्किंग प्रिंसिपल और EMF इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था. आज हमारा टॉपिक है वोल्टेज रेशियो एंड टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर. सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेशियो टर्न्स रेशियो के बारे में. तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वोल्टेज रेशियो टर्न्स रेशियो के साथ. द रेशियो E/T इज कॉल्ड वोल्टेज पर टर्न, यानी E/T का जो अनुपात है वो प्रत्येक टर्न में वोल्टेज कहलाता है. द रेशियो E/T इज कॉल्ड वोल्टेज पर टर्न, प्रत्येक टर्न में जो वोल्टेज का जो रेशियो होता है वो होता है E/T. प्राइमरी RMS वोल्टेज, हमने जब EMF इक्वेशन ट्रांसफार्मर की निकाली थी तो हमारा E1 साइड प्राइमरी RMS वोल्टेज क्या आया था, 4.44, E1 बराबर 4.44 φmFt1. तो प्राइमरी वोल्टेज पर टर्न इस इक्वेशन नंबर 1 से क्या आ जाएगा, E1/T1 बराबर 4.44 φmF. ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. इसी तरीके से सेकेंडरी RMS वोल्टेज E2 बराबर 4.44 φmFt2. यहाँ से सेकेंडरी वोल्टेज पर टर्न क्या आ जाएगा, E2/T2 बराबर 4.44 φmF. यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 शोज दैट पर टर्न इन बोथ द वाइंडिंग इज सेम. इक्वेशन 2 और 4 जो ये दिखाती हैं, ये शो करती हैं कि प्रत्येक जो वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग में जो वोल्टेज है प्रत्येक टर्न में समान है. इसलिए E1/T1 बराबर E2/T2. यहाँ से इनको अपोजिट साइड मल्टीप्लाई, E1/T2 बराबर E2/T1. तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, E2 बराबर T1/T2. द रेशियो E/T इज कॉल्ड टर्न्स रेशियो. द रेशियो T1/T2 इज कॉल्ड टर्न्स रेशियो. जो T1/T2 का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, टर्न्स रेशियो कहलाता है. द रेशियो प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स T1/T2 विच इक्वल्स टू द प्राइमरी टू सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज E1/E2. यानी कि जो प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, प्राइमरी टू सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज E1/E2 के बराबर है. इंडिकेट्स, जो ये इंडिकेट करता है हाउ मच द प्राइमरी वोल्टेज लोवर्ड और रेज्ड, यानी कितना जो मेरा प्राइमरी का वोल्टेज है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है. द टर्न रेशियो और इंड्यूस्ड वोल्टेज रेशियो, टर्न रेशियो और इंड्यूस्ड वोल्टेज रेशियो इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. टर्न रेशियो और इंड्यूस्ड वोल्टेज रेशियो को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. एंड इट इज डिनोटेड बाई सिंबल ए, और इसे सिंबल ए के द्वारा डिनोट करते हैं. तो ए बराबर क्या आ जाएगा, E1/E2 बराबर T1/T2. ए बराबर E1/E2 बराबर T1/T2, वेयर ए इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. इन ए प्रैक्टिकल वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर में देर इज ए वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज एंड इंड्यूस्ड वोल्टेज. एक प्रैक्टिकल वोल्टेज ट्रांसफार्मर में टर्मिनल वोल्टेज और इंड्यूस्ड वोल्टेज में थोड़ा सा अंतर होता है, उनके बीच में थोड़ा सा अंतर होता है. देयरफॉर वी कैन अज्यूम, इसलिए हम ये मान सकते हैं दैट E1 बराबर V1, यानी E1 किसके बराबर है, V1 के बराबर है, एंड E2 बराबर V2. हेंस इक्वेशन 7, इसलिए इस इक्वेशन 7 को मॉडिफाइड करते हैं. इक्वेशन 7 इज मॉडिफाइड एज, इक्वेशन 7 को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं E1/E2 को जगह रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, B1/B2 बराबर T1/T2 बराबर अल्फा. इट इज टू बी नोटेड फ्रॉम इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 से यह नोट किया गया दैट ऑलमोस्ट एनी डिजायर्ड वोल्टेज, कोई भी डिजायर्ड वोल्टेज पर रेटिंग कैन बी ऑब्टेंड बाई एडजस्टिंग द नंबर ऑफ टर्न्स. एनी डिजायर्ड वोल्टेज रेटिंग हमको नंबर ऑफ टर्न्स को एडजस्ट करने के द्वारा प्राप्त हो जाती है. स्टेप अप, अब हमारा टॉपिक है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ए ट्रांसफार्मर इन विच द आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इट्स इनपुट वोल्टेज या प्राइमरी वोल्टेज. एक ट्रांसफार्मर जिसमें आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होता है इज कॉल्ड ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसे क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर. एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी साइड का वोल्टेज प्राइमरी साइड के वोल्टेज से ज़्यादा होता है वो क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है. या हम ये कहें एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होता है वो क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर.
ए ट्रांसफॉर्मर इन विच द आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन इट्स इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है वो प्राइमरी वोल्टेज से कम होता है वो क्या कहलाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। द सेम ट्रांसफॉर्मर कैन बी यूज एज ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। द सेम ट्रांसफॉर्मर कैन बी यूज एज ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, यानी समान ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कर सकते हैं, मान सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द वे, वो इस बात पर निर्भर करता है इट इज़ कनेक्टेड इन द सर्किट, इसे सर्किट में हमने कैसे कनेक्ट किया है। सेम ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह उपयोग में आता है, डिपेंड करता है कि हमने इसको सर्किट में किस तरीके से कनेक्ट किया है। वेन द ट्रांसफॉर्मर यूज्ड एज ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जब ट्रांसफॉर्मर एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की तरह उपयोग में आता है द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज प्राइमरी, तो लो वोल्टेज साइड की जो वाइंडिंग है वो क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है। इन्हें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में द हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज प्राइमरी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग क्या होती है, प्राइमरी होती है। यानी कि जब ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की तरह उपयोग में आ रहा है तो लो वोल्टेज वाइंडिंग क्या होगी, प्राइमरी होगी, और जब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह हम उपयोग में ले रहे हैं ट्रांसफॉर्मर को तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग क्या होगी, प्राइमरी होगी। ए ट्रांसफॉर्मर मे रिसीव एनर्जी एट वन वोल्टेज, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो एक वोल्टेज पर एनर्जी को रिसीव करता है एंड डिलीवर इट एट द सेम वोल्टेज, और उसी समान वोल्टेज पर इसको डिलीवर करता है, सच ए ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड वन टू वन ट्रांसफॉर्मर। ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम क्या बोलते हैं, वन टू वन ट्रांसफॉर्मर। फॉर ए वन टू वन ट्रांसफॉर्मर, एक वन टू वन ट्रांसफॉर्मर के लिए टी वन बराबर टी टू, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी साइड, और एंड ई वन बराबर ई टू, और जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है जो ई वन बराबर ई टू। सच ए ट्रांसफॉर्मर यूज टू आइसोलेट टू सर्किट्स, इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर दो सर्किट को आइसोलेट करने के उपयोग आता है। अब आता है हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग पुट ऑन ए मैग्नेटिक कोर। एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या रखते हैं, मैग्नेटिक कोर पर रखते हैं। मैग्नेटिक कोर इज यूज टू कन्फाइन फ्लक्स टू डिफाइनाइट पाथ। मैग्नेटिक कोर क्यों उपयोग में लेते हैं, फ्लक्स को कन्फाइन करने के लिए, एक डिफाइनाइट पाथ पर फ्लक्स को कन्फाइन करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग करते हैं। ट्रांसफॉर्मर कोर्स आर मेड फ्रॉम थिन शीट्स, चूंकि जो ट्रांसफॉर्मर की कोर है वो पतली शीट की बनी होती है, कोल्ड लेमिनेशन जिसे हम लेमिनेशन कहते हैं ऑफ हाई ग्रेड सिलिकन स्टील। जो लेमिनेशन होती है वो किसकी होती है, हाई ग्रेड सिलिकन स्टील की लेमिनेशन उपयोग में लेते हैं। कोर पर जो लेमिनेशन करते हैं वो पतली शीट की करते हैं, जो लेमिनेशन होती है वो हाई ग्रेड सिलिकन स्टील की होती है। द लेमिनेशन रिड्यूस एडी करंट लॉस, यहाँ जो लेमिनेशन हैं वो क्या करती हैं, एडी करंट लॉस को कम करती हैं, एंड द सिलिकन स्टील रिड्यूसेज हिस्टेरेसिस लॉस, और सिलिकन स्टील है वो क्या करती है, हिस्टेरेसिस लॉसेज को क्या करती है, कम करती है। द लेमिनेशंस आर इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय हीट रेजिस्टेंस, लेमिनेशंस को एक दूसरे से इंसुलेट करते हैं बाय हीट रेजिस्टेंस इनेबल इंसुलेशन कोटिंग। हीट रेजिस्टेंस इनेबल की इंसुलेटिंग कोटिंग करके हम क्या करते हैं, लेमिनेशन को एक दूसरे से इंसुलेट करते हैं। एल टाइप एंड ई टाइप इंसुलेशंस आर यूज्ड, एल टाइप और ई टाइप इंसुलेशन हम उपयोग में लेते हैं। The laminations are built up into stack, laminations जो stack पर बनी होती है, and the joint in the lamination are staggered to minimize air gaps, and the joints in the lamination, और laminations में जो joints हैं उनको stack करते हैं to minimize air gaps, air gaps को minimum करने के लिए, कम से कम रखने के लिए। which require large exciting current, जिसके लिए ज़्यादा exciting current की requirement होती है। the laminations are tightly clamped, laminations को tightly जोड़ देते हैं। there are two basic types of transformer construction, दो basic type की transformer की construction होती है, the core type and shell type। यहाँ पे जो transformer की construction होती है वो दो तरीके की होती है, एक core type transformer, एक shell type transformer। पहला है हमारा core टाइप ट्रांसफॉर्मर। इन द कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर टाइप कंस्ट्रक्शन में द मैग्नेटिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू वर्टिकल लेग्स, मैग्नेटिक सर्किट में दो वर्टिकल लेग्स पाई जाती हैं और लिम्स,
या तो दो वर्टिकल लेग बोल दो या लिम बोल दो, बात एक ही है। द मैग्नेटिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू वर्टिकल लेग्स और लिम्स, मैग्नेटिक सर्किट में दो वर्टिकल लेग्स और लिम्स पाई जाती हैं विद टू हॉरिजेंटल सेक्शन, जिसमें दो हॉरिजेंटल सेक्शन पाए जाते हैं कॉल्ड योक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, योक कहते हैं। टू कीप द लीकेज फ्लक्स टू ए मिनिमम, लीकेज फ्लक्स को मिनिमम रखने के लिए हाफ ऑफ ईच वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन ईच लेग ऑफ द कोर, कोर की प्रत्येक लेग पर हम प्रत्येक बाइंडिंग का हाफ पार्ट हम कनेक्ट करते हैं। द लो वोल्टेज बाइंडिंग इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द कोर, लो वोल्टेज बाइंडिंग को कोर के अगले हिस्से में रखते हैं। एंड द हाई वोल्टेज बाइंडिंग इज प्लेस्ड अराउंड द लो वोल्टेज बाइंडिंग, और हाई वोल्टेज बाइंडिंग को लो वोल्टेज बाइंडिंग के चारों ओर रखते हैं। टू रिड्यूस द इंसुलेटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड, इंसुलेटिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए। थस द टू वाइंडिंग्स आर अरेंज्ड, इस तरीके से दो वाइंडिंग्स अरेंज होती हैं एज ए कंसेंट्रिक कोइल्स, कंसेंट्रिक कोइल्स के रूप में ये दोनों वाइंडिंग्स एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। सच ए वाइंडिंग इज देयरफॉर कॉल्ड कंसेंट्रिक वाइंडिंग और सिलेंड्रिकल वाइंडिंग, इसलिए इन वाइंडिंग को हम कंसेंट्रिक वाइंडिंग या सिलेंड्रिकल वाइंडिंग बोलते हैं। यहाँ पे जैसा कि डायग्राम दर्शाया गया है कोर टाइप ट्रांसफार्मर का, इसमें क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के अगले हिस्से में रखा है, ये कोर है, कोर के अगले हिस्से में रखा है लो वोल्टेज वाइंडिंग को। इसके बाद में हाई वोल्टेज वाइंडिंग, यहाँ पे जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो चारों तरफ से हाई वोल्टेज वाइंडिंग से घिरी हुई है, यानी कि यहाँ पे जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो चारों ओर अपनी लो वोल्टेज वाइंडिंग से घिरी हुई है। अगला है हमारा शेल टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें जो ये फाई है वो फ्लक्स को बता रहा है, ये यहाँ पे योक है, और ये डॉट डॉट जो दर्शा रखा है वो क्या है, लिंब है। अब बात करते हैं हम शेल टाइप ट्रांसफार्मर की। इन द शेल टाइप ट्रांसफार्मर में बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर बाउंड ऑन द सेंट्रल लिंब, यहाँ पे जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग सेंट्रल लिंब पर बाउंड होती हैं। एंड द टू आउटर लिम्ब्स कंप्लीट द लो रिलेक्टेंस फ्लक्स पाथ, और जो दो आउटर लिंब हैं वो क्या करती हैं, लो रिलेक्टेंस फ्लक्स पाथ को कंप्लीट करती हैं। ईच वाइंडिंग इज सब डिवाइडेड इंटू सेक्शन, प्रत्येक वाइंडिंग को सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज सब सेक्शंस आर अल्टरनेटिवली पुट इन द फॉर्म ऑफ सैंडविच, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज सब सेक्शंस को हम एक सैंडविच की फॉर्म में पुट करते हैं। लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को क्या करते हैं, एक सैंडविच की फॉर्म में हम पुट करते हैं। सच ए वाइंडिंग इज देयरफॉर कॉल्ड सैंडविच और डिस्क वाइंडिंग, इसलिए इस प्रकार की वाइंडिंग को सैंडविच वाइंडिंग बोल सकते हैं या डिस्क वाइंडिंग बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, जिसमें हमारा लो वोल्टेज वाइंडिंग फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग, यहाँ पे जो इसको दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, एक सेक्शन में फ्लक्स है जो 5/2 बन रहा है, दूसरे सेक्शन में 5/2 फ्लक्स है। ये वाला जो ये जो दिखाया गया है वो सेंट्रल लिंब है, ये आउटर, ये बाहर वाला आउटर लिंब है, यानी कि एक जो प्रत्येक बाइंडिंग को दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज सब सेक्शन को एक सैंडविच की फॉर्म में रखा है, ये बीच में ये सैंडविच है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बनना है एक सैंडविच की तरह बनना है। यहाँ पे जो फ्लक्स है वो दो सेक्शंस में डिवाइड हो गया, 5/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए कोर मस्ट बी मेड अप ऑफ एट लीस्ट टू टाइप ऑफ लेमिनेशन, एक कोर कम से कम दो प्रकार की लेमिनेशन से बनी होती है। द लेमिनेशंस फॉर द कोर टाइप ट्रांसफार्मर आर ऑफ यू एंड आई शेप, जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए जो लेमिनेशंस होती हैं वो यू और आई शेप की होती है। द यू शेप्ड लेमिनेशंस आर फर्स्ट स्टैक्ड टुगेदर फॉर द रिक्वायर्ड लेंथ, जो यू शेप की लेमिनेशंस है उसको सबसे पहले आवश्यकता के अनुसार लेंथ के लिए स्टैक करते हैं। हाफ ऑफ द प्री वाउंड लो वोल्टेज कोयल इज प्लेस्ड अराउंड द लिम, यानी कि जो पहले से बाउंड हुई लो वोल्टेज कोयल है उसका हाफ पार्ट हम क्या करते हैं, सेंट्रल लिम के चारों ओर रखते हैं। द एलवी कोयल इज फर्दर प्रोवाइडेड विद इंसुलेशन, लो वोल्टेज कोयल को हम दोबारा से इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। द लो वोल्टेज कोयल इज फर्दर प्रोवाइडेड विद इंसुलेशन, लो वोल्टेज कोयल को दोबारा से हम इंसुलेशन प्रदान करते हैं। देन हाफ ऑफ द प्री वाउंड हाई वोल्टेज कोयल इज प्लेस्ड अराउंड द लो वोल्टेज कोयल, जो हाई वोल्टेज कोयल है उसका हाफ पार्ट हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज कोयल के चारों ओर रखते हैं। द कोर इज देन क्लोज्ड बाई आई शेप्ड लेमिनेशन, इस तरीके से जो कोर है वो आई शेप्ड लेमिनेशन में क्लोज हो जाती है एट द टॉप शिखर पर। द कोर फॉर द शेल टाइप ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ आइदर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो बनी होती है किसके द्वारा, आइदर यू एंड टी शेप, या तो यू शेप की बनी होगी या टी शेप की, और ई एंड आई शेप,
और किस या ई और आई शेप की मिलकर बनी हो सकती है। जो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है या तो यू और टी शेप की बनी होगी या ई और आई शेप की बनी होती है। इन दिस टाइप टी एंड ई शेप्ड लेमिनेशन आर स्टैक्ड टुगेदर। इस प्रकार में टी और ई शेप्ड लेमिनेशन को आपस में स्टैक किया गया है। द एंटायर प्रीवाउंड लो वोल्टेज कोइल इज प्लेस्ड अराउंड द सेंट्रल लिम्ब। यानी कि पूरी जो प्रीवाउंड लो वोल्टेज कोइल है उसको सेंट्रल लिम्ब के चारों ओर रखते हैं। एंड द फुल प्रीवाउंड हाई वोल्टेज कोइल इज प्लेस्ड अराउंड द लो वोल्टेज कोइल। और जो हाई वोल्टेज कोइल है, जो फुल प्रीवाउंड हाई वोल्टेज कोइल इज प्लेस्ड अराउंड द लो वोल्टेज कोइल। जो प्रीवाउंड हाई वोल्टेज कोइल है उसको क्या करते हैं, लो वोल्टेज कोइल के चारों ओर रखते हैं। द कोर इज क्लोज्ड बाय यू और आई टाइप लेमिनेशन। इस तरीके से जो कोर है वो यू शेप में या आई शेप लेमिनेशन में क्लोज हो जाती है, जैसा कि फिगर नंबर 8 डिनोट कर रहा है। नीचे से यदि हम देखते हैं तो ये यू शेप लेमिनेशन बन रही है, और पीछे से हम उल्टी साइड से हम देखते हैं तो ये आई शेप लेमिनेशन बन रही है। यानी कि यू शेप और आई शेप लेमिनेशन है ये। फिगर नंबर बी जो दिखा रहा है वो नीचे से हम देखेंगे तो ये वाला जो शेप है वो टी शेप बन रहा है। ये वाला शेप किसका बन रहा है, टी शेप। इसी तरीके से पीछे से हम उल्टी तरफ से देखेंगे तो ये वाला जो वो है वो कैसा बन रहा है, यू शेप बन रहा है। आगे है तीसरा फिगर नंबर सी दर्शा रहा है आई शेप एंड ई शेप। यदि हम उल्टी तरफ से देखते हैं तो ये वाला जो है वो ई शेप बनना है, ये वाला ई शेप बन रहा है। यदि उल्टी तरफ से देखते हैं तो ये ई शेप बन रहा है, यदि ऊपर की साइड से हम देखते हैं तो ये आई शेप बनना है। जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है कोर लेमिनेशंस, फिगर नंबर ए में जो दर्शाई गई हैं वो यू एंड आई टाइप लेमिनेशंस है फॉर द कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। फिगर नंबर बी दर्शा रहा है यू एंड टी लेमिनेशंस फॉर द सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। यू और टी लेमिनेशन सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के लिए। फिगर नंबर सी दर्शा रहा है ई एंड आई शेप्ड लेमिनेशन फॉर द सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। ई और आई प्रकार की लेमिनेशन सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के लिए। इन द कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर इज ईजियर टू डिसमेंटल फॉर द रिपेयर। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर को रिपेयर करना क्या होता है, आसान होता है। द सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर गिव्स बेटर सपोर्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर। जो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है वो करंट कैरिंग कंडक्टर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है उसके सापेक्ष अच्छा सपोर्ट प्रदान करता है। दीज फोर्सेज आर ऑफ कंसिडरेबल मैग्नीट्यूड अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ये फोर्सेज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन के अंतर्गत कंसिडरेबल पार्ट होता है। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर प्रोवाइड ए शॉर्टर मैग्नेटिक पाथ। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर शॉर्टर मतलब कम जो मैग्नेटिक पाथ होता है इसका वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट मैग्नेटिक पाथ प्रदान करता है। हैंस मैग्नेटाइजिंग करंट इज लेसर देन इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। इसलिए इसमें जो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू है वो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर से क्या होती है, कम होती है। द नेचुरल कूलिंग इज पुअर इन सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में जो नेचुरल कूलिंग की प्रक्रिया है वो कम होती है या थोड़ी खराब अच्छी नहीं होती है। जो नेचुरल कूलिंग की प्रक्रिया है वो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में कम होती है ड्यू टू द एम्बेडिंग ऑफ द कोइल, कोइल के एम्बेडेड होने के कारण। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।